मॉर्निंग स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट सेंटर स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 की दूसरी क्लास चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 अब आइसक्रीम का बटन रेल, एक ऐसा साइकिल जिसकी अच्छी से मरम्मत हुई हो। स्टूडेंट आपने लेक्चर क्लास में रीड किया है, हम सब कुछ के वर्ड में प्रोपोर्शन आपको करेंगे आज की क्लास में। पहले मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा लेक्चर वापस रिवाइज करवा लूंगी। लेक्चर स्टार्ट होता है तो लेखक कहता है कि मुझे एक मेरे परिचित का मतलब जानने पहचानने वाले का फोन आता है शाम को कि हम अगली सुबह ओलंपिक साइकिल की यात्रा पे चलेंगे। ओलंपिक लंबी यात्रा करेंगे और यात्रा किस पे करेंगे, साइकिल पे करेंगे, ठीक है। तो लेखक सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाता है, उसका वेट करता है और वेट करने के बाद जब वो आती है उसका फ्रेंड जो परिचित है वो आ जाती है तो उनसे पूछते हैं लेखक से कि आपकी साइकिल कैसी है, कैसी चलती है। तो उनको साइकिल दिखाते हैं और कहते हैं कि तो वो जो परिचित होता है, वो जो फ्रेंड होता है, वो साइकिल को देखने के बाद उसके साइकिल के साथ कुछ ना कुछ करने लग जाता है, मतलब उसकी अपनी अपने चाबी को उसकी मरम्मत करने लग जाते हैं। बल्कि उसके साथ उसके सारे जो नट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, साइकिल के पार्ट होते हैं, उनको खोल देते हैं, खोल के चेक करते हैं, ठीक है। तो कुछ उसमें से पार्ट गिर जाते हैं, घूम जाते हैं, ऐसा सारा टाइम उनका वही चलता रहता है पूरे लेसन के दौरान। तो एंड में क्या होता है, ऐसा करते करते उनको दोपहर हो जाती है। तो दोपहर में वो आदमी जो साइकिल रिपेयर कराता है वो थक जाता है, तो लेकर उससे थोड़ा बहुत कहीं चोट लग जाती है तो खून भी आने लग जाता है। तो फिर लेखक उसकी क्या करते हैं, पट्टी मरहम पट्टी वगैरह करते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। और वास्तव में तो क्या होता है कि जो लेखक का फ्रेंड होता है वो कैसे साइकिल की रिपेयर कर रहा होता है जो कि रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये लेसन था हमारा जो मैंने रीड किया था, ये इसकी वर्ड मीनिंग है। आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है, 20 वर्ड मीनिंग है इसके, नोटबुक में करनी है, उसको लर्न भी करोगे। फर्स्ट है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड होता है प्रस्ताव रखना, जैसा कि लेखक के वो जान पहचान वाले ने उनको यात्रा के लिए क्या दिया था, एक प्रपोजल दिया, प्रपोज रखा उनके सामने कि हम सुबह यात्रा पे चले। प्लीज खुश, ठीक है। स्टिफली भारी, जब वो लेखक जो उसको परिचित आता है तो वो लेखक से पूछता है ना कि आपका साइकिल कैसा, तो लेखक कहता है कि सुबह तो मेरी साइकिल, मजाक में कहते हैं कि सुबह तो मेरी साइकिल अच्छे से चलती है, लेकिन हाँ दोपहर में क्या करता है, स्टिफली लगती है, भारी हो जाती है, ठीक है। तो स्टिफली क्या होता है, भारी। फोक चिमटा, वैक्यूम पीसना, चिमटा फोक ये तो साइकिल का ही पार्ट है। वैक्यूम पीसना वो जो परिचित होता है वो साइकिल को क्या करता है, वैक करता है, पीसता है, फोक को हिलाता है, कुछ भी जरूरत नहीं थी करने की।
स्किन वैनिटी रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। जब जो ऑथर था, ऑथर क्या होता है? लेखक। ऑथर कौन होता है? लेखक। जिसने इस पार्ट को, इस लेसन को लिखा है, लिखने वाला होता है ऑथर। फाइंड अ बाय स्किन वैनिटी रिटर्न। जब वो वापस आया टूल शेड से, जब उसने जब जो ब्रिजिट था उसने कहा था ना कि तुम जो गियर बॉक्स को खोलने के लिए वो लेके आओ, कुछ सामान लेके आओ ताकि इसको खोल सके। तो वो जो ऑथर था वो लेने गया था वो टूल शेड, ठीक है, जहाँ पे किसी मशीन की मरम्मत करने के लिए जो सामान होते हैं, औजार होते हैं, उसे बोलते हैं टूल शेड। तो जो वापस आया तो साइकिल किस कंडीशन में था? आंसर है द बाइसिकल फ्रंट व्हील। द बाइसिकल्स, यहाँ पे पोस्ट ऑफ एस लगाएंगे, द बाइसिकल्स फ्रंट व्हील। जो बाइसिकल का जो आगे वाला व्हील था पहिया था, हैड बीन टेकन ऑफ, क्या था? बाहर निकाल दिया था। व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड, वो तो बाहर निकला वो था आगे वाला पहिया। तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन और साइकिल के जो दूसरे पार्ट थे वो लेग ऑन द ग्रेवल पाथ, वो किस पे पड़े हुए थे? ग्रेवल पाथ पे। ग्रेवल पाथ मतलब जो